नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खुशनुमा दिन है क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन के वजह से हम लोग आज इस धरती पे जिंदा हैं। जी हाँ, आज फादर्स डे है। हम इस दुनिया के सभी माता और पिता के चरणों में मेरा नमन है। आज का दिन बेहद ही खुशनुमा दिन है क्योंकि पिता वो होता है जो अपने बच्चों और अपने परिवार की खुशियों के लिए अपना सारा खुशियाँ बलिदान कर देता है। माँ तो अपने दुख किसी से कह भी देती है, लेकिन पिता ऐसे होते हैं जो सारे दुख को अपने अंदर झेलते हुए, सारे दुख को सहते हुए अपने परिवार और अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। तो कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए उनका, क्योंकि मुझे लगता था बचपन में कि पिता के फैसले बड़े कड़े होते हैं, लेकिन आज जा कर के पता चला कि उन्हीं कड़े फैसलों से ही हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं। दोस्तों, उन्हीं कड़े फैसलों से ही हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं। किसी के पिता कितने भी गरीब हों, लेकिन वो इतने गरीब नहीं हो सकते कभी भी कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें न पूरा कर पाए। वो अपने बच्चे की खातिर अपने पूरे जीवन का बलिदान कर सकते हैं। अब वो हर एक कष्ट सहने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो कभी अपने बच्चों को दुख में नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए यदि आपसे कभी भी गलत फहमी हो जाए तो भी याद रखना कि कभी भी माँ बाप का प्यार आपसे स्वार्थवश नहीं होता, वही एक सच्चा प्यार है। और इस दुनिया का सारा प्रेम सब झूठा है। आपके जीवन में जो भी संस्कार मिला, आपके जीवन में जो कुछ भी मिला, वो आपके माता पिता के देन है। क्योंकि ऐसा कहा गया कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, अरे उनके मुस्कुराहट की 2 घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूँ, कितना भी बड़ा बन जाऊँ इस दुनिया में, मगर मेरी कीमत उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों, कोई इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन अगर उसको बड़ा बनाने में साथ होता है तो माता पिता का होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे, मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। अरे हम अपने घरों में नहीं, उनके दिलो जान में रहते थे। मैं नया जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, मैं नया कपड़ा पहन सकूं हर एक त्योहार पर, इसलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरा करना हर एक पिता की इच्छा होती है, माता की इच्छा होती है। इसलिए बार बार यही चाहेंगे कि वही आपकी जड़ हैं। ऐसी जड़ों को ही अगर आप काटने लगेंगे, उन्हीं को दुख देने लगेंगे, तो आप कैसे बड़े होंगे, आपके नए पत्ते कैसे निकल सकते हैं, आप कैसे सुखी रह सकते हैं। बार बार मैं यही कहूँगा कि अपनी जड़ें मत काटो, अपनी जड़ें मत काटो, कोई फरियाद काम ना आएगी। अरे घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम ना आएगी। घर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, घर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है। तो याद रखना, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे काम ना आएगी, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे काम ना आएगी। तो बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि कभी भी उनको दुख नहीं देना चाहिए जिन्होंने तुमसे, जिसकी वजह से तुम आज इस धरती पर हो। थैंक यू सो मच। हैप्पी फादर्स डे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। आप सबका दिन शुभ हो।